नमस्कार, आप देख रहे हैं पूरा पश्चिम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र त्यो। चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात करते हैं। राजधानी लखनऊ में पुरानी इमारत का एक हिस्सा भरभरा कर गिर गया। हालांकि लॉकडाउन के चलते इमारत के आसपास कोई नहीं था, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। अगर ये हादसा आम दिनों में हुआ होता तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला। ये देखिए आप तस्वीरें, लखनऊ के हजरतगंज में एक का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रोटेक्टेड इमारत का छज्जा टूट कर गिरा, देखिए कैसे। और ठीक बगल में उसके एक बहुत मशहूर रेस्तरां, अगर ये आम दिन होते, लॉकडाउन ना होता तो भयंकर नुकसान हो सकता था। पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ये इमारत जिसका छज्जा टूट कर गिरा, बड़ा हादसा। आम दिनों की बात होती तो ये बहुत भयंकर नुकसान वाला साबित हो सकता था। राजधानी लखनऊ के हजरतगंज इलाके में आज दोपहर के वक्त एक जो पुरानी इमारत है, जो ऐतिहासिक इमारत है, उसका एक जो गेट है वो धड़धड़ा कर गिर पड़ा और एक बड़ा हादसा, हम कहें तो लॉकडाउन होने की वजह से होने से बच गया। ये आप देख रहे हैं, ये सिप्तनाबाद ट्रस्ट का है और ये अमजद अली शाह की जो हम पीछे कहें तो मजार है, उसका ये गेट था। यहाँ पर एक गेट था, एक भव्य गेट था और ये पूरा जो गेट का हिस्सा है वो अचानक आज दोपहर के वक्त गिर पड़ा। देखिए बहुत सारे मकान भी थे, कई सारे लोग इसमें रहते भी थे। आप वो देखिए, आपको दिखाई देगा किस तरीके से जो हिस्सा है वो टूटा है और कुछ दुकानें भी थी नीचे की तरफ। ये पूरा गैलरी का रास्ता है, दूसरी तरफ भी गेट है और सामने वो जो मकबरा है वो वहाँ पर मौजूद है। लेकिन किस वजह से, क्योंकि काफ़ी पुराना बताया जा रहा है, या आप खुद देख सकते हैं जो मलबा गिरा है उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कितना पुराना ये जो गेट है वो था और ASI इसको देखरेख करती थी। तो इसकी जो हम कहें तो जो पुराना इतिहास है उसका अंदाज़ा इसी से लगता है। वो सामने आपको दिखाई देगा, वहाँ पर लिखा हुआ है और ये एंट्री गेट था। नवाबों के समय में ये पूरा ओपन रहता था और यहाँ से लोग वहाँ जाते थे, अंदर वो मकबरा था और गैलरी में भी दुकानें हैं। गनीमत की बात यह है कि लॉकडाउन था इसलिए यहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं थे, वरना आपको इस तरफ अगर दिखाएं तो ये मार्क्समैन है, एक मशहूर दुकान है लखनऊ की। लोग यहाँ पर दोपहर के वक्त लंच करने के लिए आते हैं, इवनिंग में भी लोग रहते हैं यहाँ पर टी वगैरह ब्रेकफास्ट के लिए। तो भीड़ नहीं थी, लॉकडाउन था इस वजह से भीड़ नहीं थी, वरना अगर ये आम दिनों में हुआ होता तो जाहिर सी बात है एक बड़ा हादसा जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता, पर लॉकडाउन की वजह से एक बड़ा हादसा जो है वो फिलहाल टल गया है। कैमरा से जितिन के साथ अनुभव शुक्ला, AP गंगा, लखनऊ। कोरोना से सभी अपने अपने तरीके से निपट रहे हैं। राजधानी लखनऊ में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए अब एक नई पहल की है। लोग कोरोना से बचने के लिए अपने घरों के बाहर रिश्तेदार से मिलने ना आने का संदेश लिखा पोस्टर लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि पोस्टर में लिखा है कि रिश्तेदार मिलने ना आए और आए तो पोस्टर देखकर वापस चले जाएं। ये देखिए आप अपने घरों के बाहर COVID-19 कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी। इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं इस समाज में। ऐसे लोग भी हैं जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, एक साथ नमाज पढ़ने के लिए बोल रहे हैं और भी कई किस्म के ऐसे कृत्य कर रहे हैं जिससे कि लोगों को नुकसान हो। और दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जागरूक जो कि अपने घरों के बाहर ये सब कुछ चिपका कर कह रहे हैं कि हमारे घर ना आए। और लखनऊ शहर को सैनिटाइज करने के लिए नगर निगम अब फायर टेंडर की गाड़ियों का इस्तेमाल कर रहा है। नगर निगम फायर और स्वास्थ्य विभाग की टीम इस अभियान का हिस्सा है। नगर आयुक्त इंद्रमणि त्रिपाठी, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नवीन अरोड़ा ने हरी झंडी दिखाकर फायर टेंडर की गाड़ियों को रवाना किया। 400 लीटर कैपेसिटी वाली 7 और 2500 लीटर कैपेसिटी वाली 1 गाड़ी को रवाना किया गया है। तो अब फायर टेंडर की गाड़ियों से सैनिटाइजेशन का काम, ये बहुत जरूरी और इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला।
और बड़ी खबर, कई विदेशी नागरिक वापस जाएंगे अपने देश। जी हां, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड की अपील, दूतावासों की अपील पर यह फैसला लिया गया है। एयर इंडिया के स्पेशल फ्लाइट से ये लोग रवाना होंगे। बाहर के देशों से कोई भारतीय नहीं आएगा। लॉकडाउन के बाद ही ये लोग जो भारतीय देश के बाहर हैं वो वतन लौट सकेंगे अगर चाहें तो, लेकिन इस बीच में नहीं आ पाएंगे। लेकिन इन देशों के जो दूतावास हैं उनकी अपील पर इन देशों के नागरिकों को इनके देशों में पहुंचाया जाएगा एयर इंडिया की फ्लाइट से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला। बाहर के देशों से कोई भारतीय वापस नहीं आ सकेगा लॉकडाउन खत्म होने तक, लेकिन कई विदेशी नागरिक अपने वतन वापस जाएंगे। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड की अपील, उनके दूतावासों की अपील पर यह फैसला लिया गया है। एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट से ये नागरिक रवाना होंगे, लेकिन ये फ्लाइट्स खाली वापस आएंगी। इनमें कोई भारतीय नागरिक वापस नहीं आ सकेगा इस बीच में अपने वतन भारत। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, बड़ा फैसला, बड़ा अपडेट इस वक्त का हम आपको दे रहे हैं। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड की अपील, उनके दूतावासों की अपील और उन्हीं की अपील पर यह फैसला लिया गया है। हमारे संवाददाता रविकांत इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ये फैसला जिस परिप्रेक्ष्य में लिया गया है और जो उसके परिणाम हो सकते हैं उसके बारे में विस्तार से बताइए रविकांत। देखिए, ये जो दिल्ली में इन चार देशों की एम्बेसीज हैं उनसे लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी। जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड की जो एम्बेसीज थी वो भारत सरकार से ये लगातार संपर्क में थी और ये चाहती थी कि उनके जो देश भर में फैले हुए लोग हैं, नागरिक हैं, उनको यहाँ से उनके उनके देशों पर पहुँचाया जाए। तो उनकी जो कंडीशंस हैं और उनकी जो हेल्थ कंडीशंस है उन सबको देखते हुए ये फैसला किया गया कि इनको एक इमरजेंसी तौर पे एक अलग एयरक्राफ्ट मुहैया कराया जाए और इनको यहाँ से ले जाया जाए। तो ये जो चार देश हैं, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और आयरलैंड, इनके नागरिकों को लेकर के एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स हैं वो जाएंगी और उनको वहां पर पहुंचाएंगी। लेकिन ये भी तय किया गया है कि वहां पर जो भारतीय अगर हैं या उनकी रिक्वेस्ट आती है तो उनको फिलहाल अभी नहीं लाया जाएगा क्योंकि उनकी कोई लाने की तैयारी नहीं है और ना ही उनकी कोई पूर्व सूचना है, इसलिए किसी जल्दबाजी में उनको नहीं लाया जाएगा और वहां से ये जो फ्लाइट्स जाएंगी जी खाली लौटेंगी। बहुत शुक्रिया आपका रविकांत जी। तो इन चार देशों के नागरिक उनके देश वापस जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोएडा में नए डीएम सुहास हलवाई कमान संभालते ही एक्शन में हैं। गौतम बुद्ध नगर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर एबीपी गंगा ने उनसे खास बात की तो उन्होंने बताया कि जो 42 मरीज हैं उनमें से कोई भी सीरियस नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहा आप भी देखिए। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कोरोना संक्रमित मरीज अगर कहीं मिले हैं तो है गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा में, और इस वक्त मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं नोएडा के जिलाधिकारी सुहास एलवाई जी। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं क्योंकि मरीजों की संख्या लगातार गौतम बुद्ध नगर में बढ़ रही है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्थिति नियंत्रण में है। अभी वर्तमान में 42 एक्टिव केसेस है, उस पर निगरानी रखी हुई है। 6 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं 48 में, और किसी भी केस में भगवान की कृपा से अभी तक वेंटिलेटर की सपोर्ट या क्रिटिकल सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आगे भी स्थिति ऐसे ही रहेगी, परंतु हमारी तैयारी हर चीज़ के लिए है। हम बहुत सारे बेड्स को एडवांसली तैयार कर रखे हैं, आइसोलेशन वार्ड्स तैयार कर रखे हैं। जितने भी COVID-19 पेशेंट्स के साथ संपर्क में रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया गया है, कंपलसरी क्वारंटाइन किया गया है, होम क्वारंटाइन में रखा गया है, उन पर निगरानी रखी जा रही है। उसके लिए एक मॉडर्न कंट्रोल रूम भी तैयार कराया जा रहा है जो होपफुली आज या कल तक शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही साथ जितने भी जनता की समस्या है, चूँकि लॉकडाउन पीरियड में जनता को कम से कम असुविधा हो उसके लिए भी
भी ध्यान रखा जा रहा है कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। और ये ऐसे बीमारी है जो कॉन्टैक्ट से फैलती है, अगर थोड़ा बहुत लोग भी 1% लोग भी कानून का अनुपालन नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का जो निर्देश है वो सबके भलाई के लिए, उसका अगर अनुपालन नहीं करते हैं बाकी पूरे समाज को खतरे में डालते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कृपया ऐसे ना करें। अगर ऐसे करेंगे तो कानून अपनी कार्रवाई ज़रूर करेगी। इसके साथ ही साथ 14 रैपिड रिस्पॉन्स टीम मेडिकल विथ व्हीकल सारे मेडिकल सपोर्ट के साथ लगाए गए हैं, तो कोशिश यही रहेगी कि हम सब मिलके इस टीम गौतम बुद्ध नगर में जिलाधिकारी भी है और ये इस जनपद के हर एक नागरिक है, क्योंकि बहुत सारे नागरिक आगे आकर बहुत सारे मदद कर रहे हैं, तो मैं आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर इस लड़ाई को अच्छे से लड़ेंगे और जीतेंगे। सर, जो पहले स्थिति थी जो खासतौर से भीड़ नहीं कंट्रोल हो पा रही थी, PAC लगाया पड़ा, इसके अलावा अर्धसैनिक बलों को भी लगाना पड़ा, क्या वो अभी भी स्थिति वैसी है? क्या भीड़ कंट्रोल हो रही है, लोग घरों से अंदर रह रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं? अभी भीड़ नियंत्रण में कोई समस्या नहीं है, अभी लॉकडाउन अनुपालन अच्छे से हो रहा है, परंतु प्रतिदिन इस पर मॉनिटर किया जा रहा है। जैसे मैंने कहा, अगर 0.1% लोग भी अगर इसका उल्लंघन करते हैं या करने का प्रयास करेंगे, प्रशासन उन पर सख्त निगरानी रखेगी और कानूनी कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों की पहचान हुई है ऐसे, खासतौर से जो दिल्ली से लौटे हैं, तबलीगी मरकज से या फिर विदेशों से? जैसे मैंने कहा, ऑलरेडी हमारे पास सूची है और स्पेसिफिक व्यक्तियों की सूचना है, उनको ऑलरेडी क्वारंटीन कर दिया गया है। तो चूँकि ये एक प्रतिदिन की प्रक्रिया है, हमारी टीम इसको इंटेलिजेंस गैदरिंग हम विभिन्न तरीकों से कर रहे हैं, तो जितने भी जो दिल्ली में जो समूह हुआ था वहाँ के जो सूचना मिली थी उस पर ऑलरेडी एक्शन की जा चुकी है। सर, CMO को ट्रांसफ़र कर दिया गया, इसको लेकर भी कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं, क्या काम सही से नहीं हो रहा था इसी वजह से ट्रांसफ़र हुआ? डॉक्टर चतुर्वेदी जी को शासन ने CMO का जिम्मेदारी दिया है और डॉक्टर भार्गव जो थे उनको प्रभारी अधिकारी के साथ अटैच किया गया है, तो मुझे उम्मीद है कि जैसे कहते हैं कि टीम TEAM टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, हर प्रशासनिक अधिकारी, हर मीडिया के सम्मानित मित्र और हर नागरिक, इस वक्त सिर्फ हम सब लोगों की लक्ष्य एक ही होनी चाहिए, वो है इस लड़ाई में एकजुट होकर जो निर्देश है हम सब की भलाई के लिए उसका पालन करते हुए आगे बढ़े। सर, एक आखिरी सवाल है आपसे, जो खासतौर से गरीब मजदूर हैं, गरीब और बेसहारा लोग हैं, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है और राशन जो होम टू डिलीवरी किया गया है उसके लिए क्या कुछ किया गया है गौतम बुद्ध? जनपद गौतम बुद्ध नगर कल से राशन वितरण प्रक्रिया शुरू हुई है। प्रदेश में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज परिवारों को जो राशन मिला है उसमें प्रदेश में नंबर 2 स्पॉट में रही है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। परंतु इसमें हमारी हम मंशा यही है कि हर गरीब व्यक्ति तक जब तक राशन नहीं पहुंचेगी और जब तक उन तक खाना नहीं पहुंचेगी, तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए। उनके लिए जो धनराशि शासन द्वारा निर्गत की गई है, जो लेबरर्स है, जो मनरेगा के श्रमिक है, जो अन्य यहाँ लोग काम करते हैं जो पंजीकृत नहीं है, उनके लिए भी लाभ पहुंचाया जा रहा है, तो हर संभव उनकी मदद की जा रही है, उसके लिए हमारे सारे अधिकारी तत्पर है। कर्शन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, ABP गंगा, नोएडा। मुद्दा कोई भी हो लेकिन उसकी चर्चा काशी में ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। इस लॉकडाउन के बीच काशी में डिजिटल अड़ी लग रही है, सोशल मीडिया पर डिजिटल चाय पी जा रही है और घर बैठे मुद्दों पर चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि इससे अवसाद जैसी चीज से मुक्ति मिलेगी और लोग अपनी बात इस डिजिटल मंच पर साझा करेंगे। बिहार से जुड़े हुए हैं और घोरावल से जुड़े हुए हैं और दिल्ली से हमारे पांडे जी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। और ये डिजिटल चाय के साथ इधर बैठा लो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। हमारे साथ जुड़ गए हैं भाई अनुपम चतुर्वेदी जी और विजय यादव जी, आप सबके लिए ये डिजिटल चाय तैयार है, आप सब ले सकते। अदरक इलायची वाली स्पेशल चाय है। संतोष अग्रहरी जुड़ गए हैं, नमस्कार, जय माता दी। स्पेशली तो ये हैं बनारस के लोग। उधर कानपुर में पकड़े गए तबलीगी जमात के लोगों को हैलट हॉस्पिटल में क्वारंटीन किया गया है, हालांकि उनकी जांच रिपोर्ट का अभी इंतजार है। इन 8 विदेशियों को पुलिस ने क्वारंटीन कराया है, साथ ही इन पर केस भी दर्ज कराया गया है। कानपुर में 8 विदेशी जमातियों के मिलने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 विदेशी जमातियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। फिलहाल 8 विदेशी जमातियों का हैलट अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है और रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। कानपुर के बाबूपुरवा में कुछ 8 विदेशी नागरिक पकड़े गए थे जो कि सूफा मस्जिद से पकड़े गए थे। इनको इनके ऊपर जो है पहले इनको ले जाकर इनको क्वारंटाइन वगैरह कराया गया, इनका मेडिकल चेकअप वगैरह कराया गया, सेकंड मेडिकल चेकअप इनका अभी चल रहा है, क्वारंटाइन है ये लोग। इसके ऊपर पुलिस द्वारा इनके ऊपर क्योंकि इस समय सबको पता है कि बहुत ज़्यादा आपदा की स्थिति है और हर तरह का NDMA एक्ट वगैरह भी लगे हुए हैं, तो इनके ऊपर FIR थाना बाबूपुरवा पुलिस में सुसंगत धाराओं में कराई गई है, आगे की वैधिक कार्रवाई कराई जा रही है। देखिए जो जमात हुई थी दिल्ली में उसमें से और भी बहुत सारे लोग जो हैं तमाम देश भर में फैल गए थे, इनमें से कुछ जो हैं कानपुर में भी आए हुए हैं। जैसे जैसे ये लोग मिलते जा रहे हैं इनको ढूंढ ढूंढ के इनके ऊपर स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ सहयोग लेकर इनको क्वारंटाइन करा के कार्रवाई कराई जा रही है। वीडियो जैसे संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, ABP गंगा, कानपुर। अदर दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के बाद से जमात में शामिल हुए लोग देश भर में अपने अपने घरों को चले गए हैं। इसके बाद सहारनपुर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है और बाहर से आने वाले लोगों को चिन्हित कर उनको क्वारंटीन करने में लगा है। साथ ही जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। आपको बताएं कि अब तक सहारनपुर में 57 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, 150 से ज़्यादा लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इस खबर के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। एहतियात से कोरोना को मात, हाथ साफ तो कोरोना साफ, खुद को बचाएं, दूसरों को भी रखें महफूज, दिल मिलाएं, हाथ नहीं नमस्ते करें, समझदार बनो, कोरोना से बचो। मऊ में पुलिसकर्मियों ने बिना मास्क लगाए और बेवजह घूम रहे लोगों पर लाठियां भांजी, साथ साथ मास्क लगाने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की हिदायत भी देते नजर आए। देखिए आप, मास्क कहाँ है तुम्हारा? चलो, मास्क कहाँ है बताइए, मास्क कहाँ है? बस वहाँ पर जाओ, जल्दी पीछे पीछे, चलो चलिए, चलो जल्दी चलो चलो चलो, मास्क कहाँ है तुम लोग? मास्क कहाँ है? मास्क लगाओ, बताया जा रहा है कि मास्क लगाने के लिए यहाँ पर क्यों नहीं खड़े हो? यहाँ जो बनाया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक दवा लो, दवा नहीं मना है तुम्हें, दवा नहीं मना है, मास्क कहाँ है तुम्हारा? चलो आगे बढ़ते हैं। इटावा जिला कारागार में कैदियों के दो गुटों में वर्चस्व की लड़ाई के बाद जमकर लाठियां चली, मारपीट में एक दर्जन कैदी और डिप्टी जेलर समेत कई जेल कर्मी घायल होने की खबर है, जबकि गंभीर रूप से घायल एक कैदी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी इस मामले की जाँच में जुटे हैं। वहीं जेल अधीक्षक ने मामले की जांच की बात कहकर मीडिया के सवालों से पल्ला झाड़ लिया। कल जो घटना हुई उसके संबंध में जिला अधीक्षक द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसमें बताया गया कि कुछ कैदियों द्वारा उनके स्टाफ पर हमला किया गया, जिनको बलपूर्वक शांत कराया गया, उसमें दोनों पक्षों को चोटें आईं और इसकी विस्तृत जांच के लिए एक मजिस्ट्रेटियल जांच हमने आदेश कर दिया है, जिसमें अपर जिला अधिकारी हमारे वो मजिस्ट्रेटियल जांच करेंगे और 15 दिन में अपनी आख्या देंगे। नहीं, एक कैदी की मौत हुई है, बाकी 7-8 लोग घायल हैं जो अस्पताल में हैं और वो ठीक हैं। हमारे अस्पताल में 3 लोग घायल अवस्था में आए थे और एक मृत अवस्था में लाया गया था, जो उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए रखवा दिया, उनका पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के अंतर्गत। सुना जा रहा है इसमें डिप्टी जेलर भी की हालत भी गंभीर है। जी हाँ, वो भी आए थे, वो भी घायल अवस्था में आए थे हमारे, जिसको कि हमने जो है प्राथमिक उपचार के बाद जो है इनको हमने सैफे में कुछ इलाज हेतु हमने रेफर कर दिया। और संगम नगरी प्रयागराज में भोजन बांटने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और इसी वजह से लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं हो पा रहा,
और ऐसे में प्रयागराज पुलिस ने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए खाना बांटने के नियम तय कर दिए हैं। इसके तहत संस्थाएं या व्यक्ति अब सिर्फ अपने पास पड़ोस में ही फूड पैकेट्स बांट सकेंगे और इसके लिए पुलिस चौकियों की सीमाएं भी निर्धारित कर दी गई हैं। जी, जो ये देखिए एक अच्छा ट्रेंड उभर करके आ रहा है, विशेष करके मैं प्रयागराज की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मदद के लिए आगे आ रहे हैं। कुछ लोग राशन देना चाहते हैं, कुछ लोग खाना देना चाहते हैं, कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं। तो हमने, मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि जो लोग जिस क्षेत्र में हैं उसी क्षेत्र का वो जिम्मा लें। अपने अगल बगल के लोग जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको खाने की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है या कैश की ज़रूरत है अन्य सामानों के लिए, तो उनकी मदद करें और अपने थाने और चौकी के माध्यम से, क्योंकि हमारे थाने और चौकी के जो PRV के वाहन हैं, जो मोटरसाइकिलें हैं, उनको ये निर्देश है कि अपने क्षेत्र में लोगों के सहयोग से जो लोग मदद देना चाहते हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको चिन्हित कर लिया गया है और ज़रूरतमंदों को क्रम से सोशल डिस्टेंसिंग का, कोरोना के संक्रमण को बचाते हुए वो संसाधन मुहैया कराए जाएँ। और इसके लिए मैंने एक, हम लोगों ने कंट्रोल रूम में नंबर भी जारी किया है जो हमारा सिटी कंट्रोल रूम का नंबर है 9454408863। इसी तरह से DCR का भी नंबर है और हमारे थाने और के नंबर सारे पब्लिक डोमेन में हैं, वेबसाइट पे है, UP पुलिस की वेबसाइट खोलेंगे तो उस पर भी है। तो कृपया जो भी लोग मदद करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के थाने और चौकी से संपर्क करें। इधर आदर्श में पुलिस प्रशासन ने 2 दिनों में मस्जिदों से 68 जमातियों को पकड़ा है, उन्हें स्कूलों में क्वारंटीन कराया गया है। इनमें से 22 जमाती दिल्ली के निज़ामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात में शामिल हुए बताए जा रहे हैं। पकड़े गए जमातियों को सासनी के KL इंटर जैन इंटर कॉलेज और सिकंदरा राव KN डिग्री कॉलेज और हाथरस शहर के बागला कॉलेज में क्वारंटीन कराया गया। नगला बस्ती से जो जमाती क्वारंटीन कराए गए उनमें महिलाएँ भी शामिल हैं। क्वारंटीन कराए गए जमातियों में अधिकांश जमाती आजमगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के बताए जा रहे हैं। हालांकि ये जमाती 15 तारीख के निज़ामुद्दीन मरकज़ के मेन प्रोग्राम में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कि क्रॉस चेकिंग कराई जा रही है और इनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जा रहा है। और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री मोदी कल सुबह देश को संबोधित करेंगे। बड़ा अपडेट इस वक्त का, सुबह 9 बजे वीडियो संदेश जारी करेंगे प्रधानमंत्री। कल सुबह देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, वीडियो संदेश जारी करेंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, कल सुबह 9 बजे वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन चल रहा है और ये प्रधानमंत्री मोदी का एक महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है इस वक्त में, जबकि देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। कोरोना के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, इसमें यह बहुत महत्वपूर्ण कि प्रधानमंत्री मोदी देश की जनता को क्या कहते हैं। सुबह 9 बजे वीडियो संदेश के जरिए देश को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। कल सुबह 9 बजे प्रधानमंत्री मोदी का देश को संबोधन वीडियो संदेश के जरिए। हमारे संपादक राजकिशोर जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकिशोर जी, ये सुबह 9 बजे कल जो वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला है, इसमें क्या महत्वपूर्ण होता देख रहे हैं आप? देखिए राजन, पहली बात तो है कि इस समय सरकार जो भी कदम उठा रही है और जो एक एक गतिविधि, सिर्फ सरकार नहीं, हमारी आपकी इस देश की जनता की तरफ से जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सबके बहुत दूरगामी परिणाम है। अगर आप जरा सी भी गलती करते हैं तो कहते हैं ना कि खतों ने
लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। तो जिस तरीके की तस्वीरें आई हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को मारा जाता है, तबलीगी जमात का मसला सामने आ जाता है, पूरे विश्व में कोरोना का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और हिंदुस्तान में लगातार मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, और कितनी तेजी से पिछले 2-3 दिनों में आप देखें ये आंकड़ा किस तरीके से क्वांटम जंप लेता दिखाई पड़ रहा है, तो इस तरीके का जो गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है, जो इस तरीके का संकट आया है, तो वैसे में निश्चित तौर पर कुछ अभी पाबंदियां लगी हुई है, लेकिन उन पाबंदियों की तामीली और खास तौर से जिनको देवदूत बताया जा रहा है, और वो है बताया नहीं जा रहा है, हम और आप जानते हैं, हमको और आपको घर से बाहर निकलना होता है तब हमें डर लगता है, हमारे घर वाले चिंतित रहते हैं कि आप बाहर से आए हुए हैं और हमें किस तरीके की समस्याएं होती हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो वाकई देवदूत है, वो स्वास्थ्यकर्मी जो अपनी चिंता न करके उनका इलाज करने के लिए गए हैं, उनका उनके लाभ के लिए गए हुए हैं, उनकी मदद करने गए हैं, उनके ऊपर पथराव की जब तस्वीरें आएंगी और इस तरीके की जब चीजें आएंगी तो लोग हतोत्साहित होंगे। तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री, और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ में भी लंबी बैठक की थी, तो उसका कुछ निचोड़ निकलेगा, उसके साथ कुछ फैसले, कुछ संदेश निश्चित तौर पर मान के चलिए जिसके बड़े परिणाम होंगे। जी, तो समझा जाए कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ नई चीज़ें भी हो सकती हैं, या जागरूकता वाला फैक्टर ही ज़्यादा प्रधानमंत्री सामने रखेंगे? देखिए, जागरूकता फैलाने के लिए तो जो भी किया जा सकता है हर स्तर पे किया जा रहा है राजेंद्र, और कोई भी प्रबुद्ध नागरिक हो, ना सिर्फ सरकार, ना सिर्फ अधिकारी, ना सिर्फ मीडिया, जो भी थोड़ा भी संवेदनशील है, जो इसकी घातकता को समझ रहा है, जो इसकी मारक क्षमता को समझ रहा है, जो समझ रहा है कि कितना खतरनाक हो सकता है पूरी समष्टि के लिए, पूरी मानवता के लिए, तो वो सारे लोग ये सब कर ही रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री मोदी देश के सामने संबोधन करने आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मानकर चलिए कुछ राहत होगी कि आप, क्योंकि तमाम दवाओं का संकट हो रहा है, तमाम तरीके की समस्याएं आ रही, तो उसके बारे में कुछ उनके ऐलान होंगे, और इस तरीके की जो घटनाएं हुई, आप मान के चलिए कि ये जो घटनाएं हुई हैं और जिस तरीके की जो लापरवाही की जा रही है, इस पर उनका सख्त रवैया होने वाला है, उस पर सीधा संकेत, सीधा कदम उठाया जाएगा। सिर्फ यूं ही कोई ये चुनावी रैली नहीं होगी, कोई चुनाव का समय नहीं है, इस समय आपातकाल है और आपातकाल में फैसले भी आपात लेने पड़ते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजकिशोर जी। तो कल कुछ बहुत महत्वपूर्ण सामने आएगा देश के प्रधानमंत्री के संबोधन में, खासकर जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं, जो घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वो तबलीगी जमात के आयोजन के बाद वहां पर तमाम लोगों का पॉजिटिव निकलना हो, उनका पूरे देश में बिखर जाना हो, लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उन पर हमले की खबरें आ रही हैं, वो मसले हों, इन हालात में प्रधानमंत्री मोदी का सुबह 9 बजे का वीडियो संदेश बहुत मायने रखता है। सबको अब इंतजार करना है सुबह 9 बजे का, प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं अपने वीडियो संदेश में, इन हालात में जबकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 3-4 दिनों में तो बहुत तेजी के साथ ऊपर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है, सुबह 9 बजे वीडियो संदेश के जरिए प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। अब इस बड़ी खबर पर बने हुए हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद भी। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबां आपकी।